प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర కార్యక్రమం శ్రీకాకుళం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం బాకలవలస పంచాయతీలో నిర్వహించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి గ్రామీణ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు వారికి నేరుగా అక్కడే అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పంచాయతీలో వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుందని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు చల్లా వెంకటేశ్వరరావు తెలియజేశారు. ప్రచార వాహనం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రదర్శిస్తారని కేంద్ర పథకాల వివరాలతో కూడిన క్యాలెండర్ను మరియు కరపత్రాలను అందజేస్తారని తెలిపారు. అన్ని వర్గాల వారు అభివృద్ధి చెందాలనే అకుంఠిత దీక్షతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలని క్యాలెండర్ పైనున్న క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ చేసి పథకాల గురించి తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు. మండల అభివృద్ధి అధికారి, మండల పంచాయతీ అధికారి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ముఖ్యమైన పథకాలను వివరిస్తారని లబ్ధిదారులతో మాట్లాడించి వారి అనుభవాలను గ్రామస్తులకు తెలియజేస్తారని చల్లా వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చల్లా వెంకటేశ్వరరావుతో పాటు శ్రీకాకుళం అసెంబ్లీ కోకన్వీనర్ రావాడ పురుషోత్తం, బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు భైరి అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. सही समय है भारत का अनमोल यही समय है. हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है. नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है. यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है. अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है. असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है. तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है. बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है. शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है. यही समय है, यही समय है. परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी. आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया. जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई. 2014 से पहले देश के गांवों में
स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था, आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है, मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम सर्वाज अभियान चलाया था, भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को करने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही
कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70%